गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं होटल उन्नाव में और खाएंगे अभी कुछ खाना पीना। भाई भूख भी बहुत मुझे लगी हुई है फिलहाल, तो उससे पहले हम लोग केक काटेंगे, कुछ बहुत फ़ोटो शूट करेंगे, है ना। तो फिर आप लोगों को चलते हैं दिखाते हैं अंदर। तो गाइस दिव्या जा चुकी है नीचे बैठकर खाने के लिए और ये है इसके अंदर कुछ सरप्राइज़ दिव्या के लिए, मैंने उसे बताया नहीं है और आप लोग भी तब तक गेस करिए इसमें क्या चीज़ हो सकती है दिव्या के लिए। तो चलिए वो दिखाते हैं आपको आपसे कुछ देर में। तो एक गर्मा गर्म कॉफ़ी मेरे लिए ऑर्डर कर दो तो सही हो भैया, एक कॉफ़ी करवा दीजिए। तो फाइनली इनकी कॉफ़ी आ चुकी है तो ये पीकर बताएंगे कि कैसी है। तो इनको ये कॉफ़ी पसंद नहीं आ रही, इनको सिल्वर वाली कॉफ़ी। नॉट बैड बट नॉट गुड, ठीक है। तो अभी हम लोग केक कटेंगे, टाइम मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, केक लग गया है। कमेंट में बताइए आप लोग के केक हमारा कैसा लग रहा है। भाई जिस घड़ी का हमें बहुत ही बेसब्री से था इंतज़ार, वो घड़ी आ चुकी है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारा खाना आ चुका है, पूरा दिन से भूखे थे, अभी जा कर के खाना मिल रहा है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, कमेंट में बताइए खाना किसको ऐसा पसंद है। भाई हमने ऑर्डर किया हुआ है कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर और तंदूरी, वो मेरी बहुत ही फेवरेट है, बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं। बटर हम खाते नहीं इसलिए, कोई बात नहीं, इन्हें बटर नहीं पसंद है, मुझे पसंद है बट अब आज इनकी पसंद तो मतलब मेरी पसंद सेम ही सेम है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं गाइज। तो चलिए खा लेते हैं ना, आप लोग जब मिलेंगे तो आप लोगों को हम खिला देंगे, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल अभी हम खाएंगे क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। तो भैया खाना बहुत ही गर्म है और दिव्या जी खाना लगा रही हैं, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वाह वाह, जल गई ना, आराम से काम करो आराम से। एक ही प्लेट में, ये ऐसे घर में भी जलती हैं, एक ही प्लेट में लगा लो चाहे दो में लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही में लगा लो। एक ही में खाते हैं हम लोग, घर में एक ही में खाते हैं तो यहाँ भी एक में ही खाएंगे, अलग क्यों खाना है नहीं। साथ में खाने से क्या होता है दीदी, प्यार बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। देखिए कितना प्यार बढ़ गया आज, आज 2 साल हो गए भाई साहब। आप लोग ऐसे दुआएं देते रहिए और हमारा भाई वीडियो जो है YouTube हमारा चैनल चल जाए, क्योंकि 1K तो हो गए हैं फिलहाल, अभी व्यूज़ आने बाकी हैं, है ना। व्यूज़ आ जाए तो फिर आगे का काम हो। खाना शुरू करो, हमें टेस्ट करो फिर हम बताएं कैसे बनाया। मस्त, बहुत बढ़िया, वाकई में टेस्टी। खाओ खाओ, कैसा फ्लेवर, बढ़िया ना।
सही है। तो गाइस फाइनली हम लोग खाना पीना कर चुके हैं और अब वक्त हो चला है घर की तरफ चलने का, क्योंकि बहुत ही समय हो चुका गाइस ना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पहुंच करके, है ना। हे गाइस, तो जैसा कि अभी हम लोग घर आ चुके हैं फाइनली। बहुत ही ठंड थी, मैं तो बहुत ज़्यादा वो सर्दी लग गई मुझे लग रहा है। तो गाइस घर आ गए हैं और चलिए हम दिखा देते हैं छोटा सा तोहफा, देखते हैं भाई दिव्या तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। इस बार मेरे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस हो गए पैसे, मतलब 5,000 टीवी में चले गए, 3,000 गाड़ी में चले गए, है ना। और कुछ थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जो मैंने करवाया हुआ था, वो मैंने उधर पैसे एडजस्ट कर दिए। तो दिव्या के लिए कुछ बड़ा नहीं है, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। उम्मीद है कि मेरी धर्मपत्नी जी को पसंद आएगा। मुझे तो यही पसंद आया है। अरे हाँ, मैंने इनके लिए भाई, इनको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती थी तो मैंने इनके लिए स्टैंड दिलवा दिया है। मुझे इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट क्या होगा। पसंद आया? बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आप लोगों को भी, है ना। आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए दिव्या जरा इसे चेक कर लीजिए, आपके लिए क्या है देख लो। देखो भाई, छोटा मोटा तोहफा है, नेक्स्ट एनिवर्सरी में पक्का तुम्हें कुछ बड़ा दिलाएंगे। कैसे लग रही है बताओ जरा? बहुत सुंदर है। अच्छी लग रही है, डेली यूज के लिए मैं लेकर आया हूँ। हे गाइस, तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए आप सभी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हम आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे एक नया व्लॉग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।